चतरा के अति महत्वाकांक्षी चतरा गया रेल लाइन योजना को मिली अंतिम मंजूरी। जिले में रेल कनेक्टिविटी का रास्ता हुआ साफ। सांसद सुनील सिंह व डीसी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भेजा स्वीकृति पत्र। 5,452 करोड़ रुपए की लागत से 99.345 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का होगा निर्माण। बिहार के गया से झारखंड के चतरा को जोड़ा जाएगा स्वीकृति रेल लाइन। कुल 197 ब्रिज आरओबी व टैनल का लाइन में होगा निर्माण। चतरा गया टूरिज्म उपयोग अंतिम स्थान निर्धारण योजना को भी मिला अनुमोदन। भूमि अधिग्रहण को ले राज्य सरकार को मिली 926 करोड़। भूमि अधिग्रहण में जुटा जिला प्रशासन। चतरा टोरी रेल लाइन को अंतिम मंजूरी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने सांसद का किया जोरदार स्वागत। जमकर हुई आतिशबाजी, बटी मिठाइयां। सांसद ने जनप्रतिनिधियों, जिलेवासियों और मीडिया कर्मियों का जताया आभार। कहा, सभी के सहयोग से होने जा रहा है सपना साकार। जल्द होगा निर्माण कार्य का शिलान्यास। चतरा के लिए काफ़ी खुशी और आनंद का है, खास करके अब जब नवरात्र का त्यौहार चल रहा है तो माता रानी की असीम कृपा से चतरा के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो बरसों से रेल परियोजना चतरा गया रेल लाइन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसकी स्वीकृति की चिट्ठी भारत सरकार के रेल मंत्री द्वारा प्राप्त हुई है। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को आभार दिया है। और उस पत्र की कॉपी भी मैं थोड़ी देर में अपने साथियों सहयोगियों द्वारा आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस रेल योजना की सबसे खासियत ये है कि ये रेल योजना, मैं चाहूँगा कि भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपने रिप्लाई में कहा था कि इस परियोजना की वर्तमान लागत 5,452 करोड़ रुपये है, जिसमें भूमि के लिए 926 करोड़ रुपये की लागत शामिल है और राज्य सरकार के माध्यम से रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। और उन्होंने आगे लिखा है कि गया चतरा रेल लाइन परियोजना को पहले रोक दिया गया था, लेकिन अब इसका निष्पादन शुरू किया जा रहा है और साथ ही रेल लाइन के इष्टतम उपयोग के लिए टोरी चतरा गया सेक्शन के लिए भी अंतिम स्थान निर्धारण का सर्वेक्षण शुरू करने की योजना को भी रेल मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है, यानी उसको भी सेंक्शन कर दिया है कि भविष्य में इस रेल लाइन को आगे बढ़ाने के दृष्टि से जो टोरी का मुख्य केंद्र है उससे कैसे जोड़ा जा सके, इस दृष्टि से भी इसको जोड़ा है। और मैं कुछ और ख़ास चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो जीएम ईसीआर के कार्यालय से भेजा गया है, उसकी भी जानकारी मैं दे दूँगा। ये योजना गया से प्रारंभ होगी, कुल लंबाई 99.345 किलोमीटर है और ये बिहार झारखंड के गया और चतरा ज़िले से होकर गुजरेगी और जिसमें अभी तक लगभग 197 कुल ब्रिज, जिसमें मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, आरओबी, अंडरपास, टैनल इत्यादि हैं, इनकी स्वीकृति मिली है। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस परियोजना का कार्यरूप देने का काम कर देंगे। तो बरसों परीक्षित, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये पत्र में लिखा है कि ये योजना जो रोक दी गई थी उस योजना की स्वीकृति मिली है, जो योजना रेलवे ने फ्रीज कर दिया था। फ्रीज का अर्थ होता है उसको रोक देना, समाप्त करना, उस योजना को डिफ्रीज कर दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत खुशी का बात है कि अब जल्द से जल्द इस परियोजना को कार्य रूप मिलेगा और इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। इसके लिए आप सभी को, चतरा के जनता के साथ साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी को भी, क्योंकि मीडिया कर्मियों ने भी लगातार इस विषय को उठाकर जिंदा रखा, जिससे हम लोगों को लड़ने की प्रेरणा मिली। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद।
और हम लोग अब प्रयास करेंगे कि इस योजना का जल्द से जल्द शिलान्यास की तिथि का निर्धारण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रम मंत्री ने इसे